उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन उद्यमिता केंद्र के माध्यम से अब परंपरागत कारीगरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ हर क्षेत्र के कामगारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए चिन्हांकन अभियान भी चलाया जा रहा है। समय समय पर जिले में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में चिन्हांकन अभियान चलाकर ऐसे कामगारों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो परंपरागत हैं, चाहे वह खाने के क्षेत्र के कारीगर हों या फिर किसी उपकरण को बनाने के क्षेत्र के कारीगर हों। खास करके जूते को एक पहचान दी जा रही है, यानी कि GI टैग दिया जा रहा है। आपको बता दें कि गौरीगंज के भटगवां गांव में बनने वाले मशहूर जूतों को अब FDDI यानी फुटवियर डिजाइनिंग कंपनी ने गोद लिया है। इसके अलावा इस गांव के परंपरागत कारीगरों को अन्य क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कारीगरों की माने तो इस पूरे पहल से उन्हें काफी फायदा होगा और वे जिस क्षेत्र में भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें उसमें काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं जिला उपायुक्त उद्योग राजीव कुमार पाठक ने बताया कि इस पहल से सरकार की यह मंशा है कि परंपरागत कारीगरों को बढ़ावा मिल सके और उनके व्यवसाय में वृद्धि हो सके। कहाँ कहाँ बुलाया चाचा आपको? नोएडा, लखनऊ के, वहाँ लगेगा प्रदर्शनी, वहाँ भी जूता काम होगा। तो आपको क्या लगता है इससे आपका रोजगार बढ़ेगा? रोजगार बढ़ जाएगा तो हमारा भी उसमें फायदा होगा और सरकार से आपका कोई सरकारा भी लाभ होगा। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि भाई बढ़ जाए, जितना ही बढ़ जाए उतना ही हमारा फायदा हो, इसमें ज्वाइंट हो जाए। चाचा एक अंतिम सवाल, यह बिजनेस आप कब से कर रहे हैं और आपकी कितनी पीढ़ियां इसको की हैं? इसको कब से कब, हमारे अंदाज में तो 4-5 पीढ़ी खत्म हो चुकी है। और आप भी हमें लगता है जब से बालिक हुए होंगे तब से इस बिजनेस में हैं। हाँ, जब से हुआ संभारा जब से इसी में चल रहे हैं। तो ये क्या कारण रहा जो ये बिजनेस बंद हो गया था बीच में? अब ऐसे नए लौंडे सीखने वाले नहीं है, कहते मेहनत ज्यादा है तो हम दूसरा काम किया नहीं, हम कहा चलो इसी में। आपके जूता तो हाँ। हिसाब से हमारा तो कहीं ना कहीं आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। हाँ। तो सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं लोगों को या धन्यवाद देना चाहते हैं? सरकार यही बोला कि आप बनाइए, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा हो, आगे के लिए प्रचार भी हो जाएगा। ठीक, महिलाएं कई प्रकार के उत्पाद बनाकर अपनी रोजी रोटी की तैयारी कर। मूंज के उत्पादन के अलावा और भी चीजें क्या बनाई जाती हैं क्या महिलाओं द्वारा, जैसे अचार ये सब चीजें? मूंज के अलावा और भी महिलाएं हैं, विभिन्न प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो NRLM की तरफ से गठित हुए हैं, उसमें अचार बना रही हैं, कुछ गोबर की खाद बना रहे हैं, कुछ खिलौने बना रहे हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, सॉफ्ट टॉयज बना रही हैं। तो वो भी महिलाएं जो हैं वो भी अपने घर बैठे कुछ उत्पाद बनाकर इस तरीके से अपना रोजगार में वृद्धि हो रही है उनके घर में और आय के साधन में भी अपने परिवार को वो हेल्प कर रही हैं। ठीक।